चलिए अब खबरें विस्तार से। विजयादशमी पर्व पर रविवार को दशहरा मैदान में सांकेतिक रावण दहन किया गया। रावण के साथ कोरोना का भी पुतला जलाया गया। इस दौरान भीड़ एकत्रित नहीं करने दी गई। रविवार को विजयादशमी के अवसर पर कोरोना काल के बीच सांकेतिक रावण दहन किया गया। दशहरा मैदान में रावण के साथ एक कोरोना वायरस का पुतला भी जलाया गया। कोरोना के चलते रावण दहन कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। रावण दहन कार्यक्रम में कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे, विधायक दिलीप सिंह परिहार, समाज सेवी नीरज अरोरा, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राकेश जैन, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, अनिल नागौरी, दशहरा उत्सव समिति अध्यक्ष हेमंत सिहल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। अभी हम दशहरा मैदान में मौजूद है और कुछ ही देर में रावण का दहन होने वाला है। इस बार कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला नहीं बनाया गया। मेरे सहयोगी से कहूंगा कि हमारे दर्शकों को दिखाए। रावण और कोरोना का पुतला बनाया गया है। 21 फीट का रावण बनाया गया है और एक छोटा कोरोना का पुतला बनाया गया है। इस कोरोना पुतला जलाने का उद्देश्य ये है कि कुछ ही समय में कोरोना दुनिया से खत्म होगा और वापस से पहले की तरह दुनिया में शांति होगी। हमारे साथ है दशहरा उत्सव समिति के अमरीश शर्मा। हम इनसे जानेंगे किस तरह से व्यवस्था की गई है दशहरा मैदान में रावण दहन की और क्या कितनी देर में रावण दहन होने वाला है। अमरीश जी, आपका स्वागत है सिटी में। जी बताइए, किस तरह की इस बार व्यवस्था है? कोरोना के चलते साधारण सा एक छोटा आयोजन किया जा रहा है। सांकेतिक रावण जलेगा कोरोना के हिसाब से। कोरोना वायरस का पुतला बनाया है, इसका भी दहन किया जाएगा और लगभग आधे पौन घंटे में हम इसका दहन करेंगे। अच्छा, इस बार जो कोरोना चल रहा है तो लोगों को भीड़ एकत्रित नहीं की जा रही, तो क्या व्यवस्था है इसमें? एक घेरा बनाया है हमने और किसी भी आम पब्लिक को आने की अनुमति नहीं है और पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है कोरोना का लेकर। अच्छा, तो क्या इस बार किसी को भी यहाँ पर खड़े होकर रावण दहन देखने की अनुमति नहीं है? नहीं, इस बार कोई अनुमति नहीं दी गई है, नाम समिति ने किसी को आमंत्रित किया है। अच्छा, इस बार कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला नहीं बनाया? इस बार सिर्फ परंपरा निभाने के हिसाब से रावण दहन का ही प्रोग्राम करा है। इसकी परंपरा नहीं चुनते हम रावण दहन कराए। अच्छा, तो उन दोनों का नहीं, सांकेतिक रावण दहन किया जा रहा है? सिर्फ सांकेतिक रावण दहन किया जा रहा है। हमारे साथ थे दशहरा उत्सव समिति के अमरीश जी शर्मा। इन्होंने बताया कि सांकेतिक रावण दहन किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं रावण का पुतला और कोरोना का पुतला जलने के लिए तैयार है। कुछ देर में पुतला दहन किया जाएगा। अतिथि अभी आने ही वाले हैं। मेरे सहयोगी प्रथम सिंह के साथ अजय मस्ताद। रावण दहन कार्यक्रम में कोरोना के चलते आमजन को एकत्रित नहीं होने दिया गया। पहले दूध धोकर रावण जला, उसके बाद कोरोना वायरस के पुतले का दहन हुआ। कोरोना के चलते इस साल 5:30 बजे ही रावण दहन कर दिया गया। इस दौरान करीब 3 बजे से ही पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी व्यवस्था बनाने में लग गए थे। पुलिस द्वारा आमजन को भीड़ नहीं लगाने दी गई। रावण दहन शाम 6 बजे किया जाना था, लेकिन ज्यादा भीड़ एकत्रित न हो जाए इसलिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में सादगी से रावण दहन कार्यक्रम सम्पन्न कर दिया गया। पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। दशहरा उत्सव समिति के हेमंत सिहल जी, नंद किशोर जी, शर्मा जी, डॉक्टर सिहल, अनेक पदाधिकारियों ने सबने मिलकर लंबे समय से प्राचीन परंपरा यहाँ प्रारंभ है। बुराई के रूप में जो प्रतीक है उसका हम दहन करते हैं, रावण दहन। असत्य पर सत्य की विजय का यह प्रतीक है और ये लंबे समय से परंपरा चली आ रही है। यह देश राम का है और राम का परिवेश है और राम की जो संस्कृति है वो अद्भुत संस्कृति है, वो हमें सिखाने को मिलती है। राम लक्ष्मण और जानकी, उनका पूरा का पूरा जीवन भारतीय संस्कृति से भरा हुआ है। तो आज कोरोना संक्रमण की वजह से एक प्रतीक के रूप में यहाँ कोरोना के रावण का भी अंत किया गया है। उस वो नहीं फैले, अब भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु राम से, वो सब लोग सुखी रहे। हम सब जानते हैं दशहरा उत्सव समिति वर्षों से मेहनत करके यहाँ हजारों संख्या में लोग आते हैं और बच्चे आनंद लेते हैं मेले का, वो दशहरा मनाते हैं। मैं आज जिलावासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को विजयादशमी के पावन पर्व की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सर्वप्रथम मैं नीमच जिले के जिलेवासियों को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि विदित है कि कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमको मार्गदर्शन दिया, उसी के अनुसार आज हम लोग प्रतीक के रूप में आज रावण दहन का कार्यक्रम नीमच में आयोजित हुआ। हम सभी जानते हैं कि पूर्व में यहाँ के आयोजन बड़े ही बृहद, बड़े ही आकर्षक रहे हैं। चूँकि कोरोना काल है, हम लोगों को अभी कम से कम भीड़ करना थी, इसलिए आज हमारी दशहरा उत्सव समिति में, जिसमें हमारे सिंगल जी, नागौरी जी, शर्मा जी और समस्त मेंबर्स ने जो शासक की गाइडलाइन था उसका पूर्णतः पालन किया
और जनता ने भी हमारे साथ सहयोग किया और इस प्रतीकात्मक रूप से जो हमने आज आयोजन किया उसको सफल बनाया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि हम जानते हैं कि लड़ाई हम लड़ रहे हैं, अभी वैक्सीन आया नहीं है, हमारी कोशिश यही रहे कि कोरोना संक्रमण में हम बचे रहें, परिवार को बचाएं, जिससे कम से कम हम आगे आने वाले समय में इस तरह के आयोजन जो सबके साथ इष्ट के साथ अपने निकटजनों के साथ जैसे हम पहले मनाते थे वैसे ही मनाएं और कोई दूरी ना रहे। हम लोग यही आशा करते हैं आगे आने वाले समय में हमारे त्यौहार जैसे हम हर्षोल्लास से मनाते रहते हैं वैसे ही मनाएं, सब लोग बचे रहें इस बीमारी से, मास्क लगाएं और परस्पर दूरी बनाए रखें जब तक ये बीमारी हमसे छूट के नहीं जाती है। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि सब लोग पुनः बहुत बहुत विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम के शुभारंभ में दशहरा उत्सव समिति के पदाधिकारियों ने अतिथियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे, विधायक देव सिंह परिहार, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन ने संबोधित किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर सुनील राज नायर, एसडीएम एसएल शाह के तहसीलदार अजय हिंगे, सीएसपी राकेश मोहन शुक्ल, नगर पालिका सीएमओ सीपी राय सहित तीनों थाने के प्रभारी, नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी एवं अमरीश शर्मा समेत कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। प्रतिवर्ष दशहरा उत्सव समिति द्वारा यहाँ पर भव्य दशहरा मैदान के अंदर रावण दहन का आयोजन होता है, लेकिन इस समय में इन परिस्थितियों में जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, हमारे यहाँ पर शासन के गाइडलाइन के अनुसार नीमच में दशहरा का उत्सव मनाया गया है, रावण का दहन किया गया है। असत्य पर सत्य के विजय का प्रतीक आज के इस महान दिन के अवसर पर, विजयादशमी के पावन अवसर पर, मैं नीमच शहर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। इस वर्ष सांकेतिक रावण का दहन किया गया है, कोरोना वायरस को देखते हुए इस बार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ हमने कोरोना रावण का दहन किया है। कलेक्टर महोदय, विधायक महोदय और जिलाध्यक्ष महोदय हमारे बीच आए थे और उसी मद्देनज़र हमने कोरोना गाइडलाइन को पालन करते हुए, प्रशासन को गाइडलाइन का पालन करते हुए हमने कोरोना रावण का दहन किया है। कोरोना का भी रावण बनाया जाता है, कोरोना का भी एक रावण बनाया जाता है, कोरोना वायरस का रावण बनाया था, उसका दहन किया गया है। उम्मीद करते हैं अगले साल वैक्सीन आ जाएगी, इससे भी ज़्यादा हर्षोल्लास से हम हमेशा जैसे हमारी परंपराओं से बनाते हुए आ रहे थे उसी